दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Eduupdate। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि काफ़ी फेमस है ऑल ओवर महाराष्ट्र में, जिसका ब्रांड नेम काफ़ी ज़्यादा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, जिसको कहा जाता है SIOM पुणे। ये SIOM सिम्बायसिस लीग में भी है, दैट इज़ सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट के अलग से वीडियोस बनाऊंगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली सिंहगढ़ कॉलेज के जो मेन फ्लैगशिप कॉलेज है सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर कम्प्लीटली रिव्यू करने वाले हैं हम लोग। उसके पैरामीटर्स देखेंगे, उसका एडमिशन क्राइटेरिया देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, देन एडमिशन प्रोसीजर, देन प्लेसमेंट्स, ट्रैक रिकॉर्ड्स लास्ट फ्यू ईयर्स का। इस तरीके से हम लोग सारे डिटेल्स आज हम लोग उसका रिव्यू करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये रिव्यू। और बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू केम टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड प्लीज प्रेस ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू ऑल गेट द अपकमिंग वीडियोज नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रिव्यू। चलिए चलते हैं डायरेक्टली कॉलेज की वेबसाइट पे ही और वहीं से हम लोग आज का रिव्यू शुरू करेंगे। कॉलेज का नाम है सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ये इसका लोकेशन है वड़गांव बुद्रुक में, जो कि पुणे के अंदर रिसाइड करता है। अगर हम लोग उसके कुछ इमेजेस देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लुक करता है कॉलेज का। कॉलेज का कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ऑल ओवर महाराष्ट्र में इसका काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम है। इसके अंदर में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, देन ऑल अदर डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स के यहाँ पे कॉलेजेस भी है। विद इन दैट यू विल फाइंड वन कैंपस फॉर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जो कि लेट 90s का कॉलेज है। और अगर हम लोग उसका वेबसाइट देखते हैं तो कुछ इस तरीके से उनका वेबसाइट दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इसके कोर्सेज पे कि कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इन लोगों ने क्विक एक्शंस भी दिए हुए हैं यहाँ पे वेबसाइट में कि आपको अगर कोई चेक करना है तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर हम लोग कोर्सेज देखते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर में, दैट इज़ MBA एडमिशंस एंड देन MCA एडमिशंस। जो इनका MBA है, आज का हमारा वीडियो पर्टिकुलरली MBA एस्पायरेंट्स के लिए है। ये जो डिग्री प्रोवाइड करता है वो एफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं और ये NAC एक्रीडिटेड कॉलेज है। साथ ही साथ इसको अप्रूवल मिल चुका है AICTE से ही। चलिए चलते हैं कोर्स का ड्यूरेशन देख लेते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन ये 2 ईयर्स फुल टाइम प्रोग्राम MBA प्रोग्राम देता है। ये सावित्रीबाई फुले से एक्रीडिटेड है और अप्रूव्ड बाय AICTE है और साथ ही साथ ये NBA एक्रीडिटेड भी है। ये कैप राउंड्स के थ्रू एडमिशन प्रोसेस फॉलो करता है। जैसे DTE के कैप राउंड्स होते हैं हर साल, तो ये कॉलेज MHCET के स्कोर्स एक्सेप्ट करता है और इसका नियर बाय कट ऑफ आपका 60-70% के बीच में स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है आसानी से एडमिशन इसके फ्लैगशिप कॉलेज में। इसका एडमिशन काफ़ी आसानी से मिल जाता है, बट यही है कि इसके काफ़ी सारे कैंपसेस हैं। आपको कौन सा कैंपस चूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है, बट ये SIOM पुणे जो है वो फ्लैगशिप कैंपस है उसके अंदर में। और यहाँ पे नीचे में उनके 2 DTE कोड्स दिए हुए हैं उनके कॉलेजेस के। आपको अगर ये कॉलेज में ये भी है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हो विदाउट वेटिंग फॉर द DTE कैप राउंड्स। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन sinhgad.edu, देयर यू विल फाइंड अप्लीकेशन फॉर्म। आपको वो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में आपका तुरंत ही एक पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, जो सॉर्ट ऑफ ईजी सा इंटरव्यू होता है। आपका एडमिशन आपको यहाँ पर आसानी से मिल सकता है। आपको अगर आप ओपन कैटेगरी के हो और आप फुल फीस पेयर हो, आप एनी हाउ आप DTE से भी जा सकते हो, साथ ही साथ आप डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हो अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं आउटकम्स की बात करते हैं तो आउटकम्स यहाँ पर दिया हुआ है कि MBA प्रोग्राम पढ़ने पे आपको कौन कौन से आउटकम्स मिल सकते हैं, किस तरीके का आपको करियर में ग्रोथ मिल सकता है। अगर चलिए हम लोग देखते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर इनका कम्प्लीटली सावित्रीबाई फुले से क्योंकि ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर सेम टू सेम जो सावित्रीबाई फुले अप्रूवल देते हैं उन यूनिवर्सिटी अप्रूवल के हिसाब से यहाँ पे भी कोर्स कम्प्लीशन होता है। ये प्राइवेटली कोई भी अपना रूल्स यहाँ पर लागू नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यहाँ पे कोर्स का डिटेल्स भी यहाँ पे उन्होंने PDF डाल रखा है, जिसके अंदर आपको सेम टू सेम कोर्स डिटेल आपको मिल सकता है, जो कि हर एक कॉलेज को फॉलो करना होता है जो कि DTE के अंदर में आते हैं। DTE का 2 ईयर्स का अप्रूव्ड
करिकुलम है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, सो अगर आप उसे चेक करना चाहते हो तो चेक कर ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग रिटर्न बैक टू अपने वेबसाइट पे और वहाँ चल के देखते हैं पिछले कुछ साल के स्टेटिस्टिक्स। सो यहाँ पे प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग हम लोग अभी बात करते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्लेसमेंट के कौन कौन से इनके पास रिक्रूटर्स है, ट्रेनर्स है, साथ ही साथ प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स, तो हम लोग देखने वाले क्या है स्टेटिस्टिक्स, किस तरीके का पैकेज ये कॉलेज प्रोवाइड करता है और क्लेम करता है। सो एकेडमिक्स में जाके प्लेसमेंट्स हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है लास्ट 3 ईयर्स का स्टेटिस्टिक्स, जो कि कॉलेज की मीट्स को बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं करता। दैट इज़ इफ़ विल सी द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड था 96%, दैट इज़ 96% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके थे आउट ऑफ 100। देन सेकेंड ईयर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 80% दिखा रहा है और थर्ड ईयर में 70%, सो जो ये डिक्रीजिंग मोड में है। और थर्ड ईयर मीन्स जो कि लेटेस्ट ईयर है, सो इनका जो प्लेसमेंट पैटर्न है वो डिक्रीज की तरफ में है, सो विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी कॉलेज और फॉर एनी स्टूडेंट्स एज वेल। बट अगर हम लोग इनका एवरेज और हाईएस्ट पैकेज देखते हैं तो ये लोग क्लेम करते हैं एवरेज पैकेज बिटवीन 3 to 4 lakh, सो हम लोग इसे अर्ली 3 lakh के करीब नहीं सोच सकते हैं, बट हम लोग इसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते थे। तो फिर अगर डू ऑर डाई है तो फिर आप डेफिनेटली इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। और हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ अच्छे खासे ब्रांड नेम्स बताए गए हैं कि जो कि इनके रिक्रूटर्स की लिस्ट में है, दैट इज़ KPMG, दैट कैपजिमिना है, देन HDFC, देन ICICI। सो ये कुछ ऐसे ब्रांड नेम्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे रिक्रूटर्स हैं, इस कॉलेज के साथ में अच्छा खासा टाइप है। और नीचे में इन लोगों ने साथ ही साथ जो इनके इंटर्नशिप PPO होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, सो वो सारे कंपनीज का भी लिस्ट आउट इन लोगों ने शो करके रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स भी दे रखे हैं कॉलेज के, कि इन लोगों ने लास्ट 25 ईयर्स में किस तरीके के अचीवमेंट्स अचीव किए हैं। ये आपके लिए भी सजेशन है कि आप कभी भी कोई भी कॉलेज का वेबसाइट रिव्यू चेक करें तो आप वहाँ पे अपना नेक एक्रीडिएशन वाला या फिर NIRF रैंकिंग का जो लिस्ट है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर होता है, वो ज़रूर देखें ताकि आपको वहाँ से सारे फैक्ट्स और फिगर्स पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये है NIRF का इनका रैंकिंग और यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है कि यहाँ पे करीबन 900 की स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। 900 का आपको काउंट बताया गया है, वो पर्टिकुलरली सिंगल कॉलेज के लिए नहीं है, इनके जितने भी चार पांच ब्रांचेस है, जैसे कुछ लोनावला में है, कुछ यहाँ पे कैंपस के पास में ही है, सो अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांचेस है। सो टोटल यहाँ पे रिकॉर्ड्स बताया गया है कि टोटल 900 कैंडिडेट्स हैं। इसी तरीके से NIRF की हर साल एक नया शीट निकलता है जो कि इन लोगों को मैंडेटरी डिस्क्लोज करना होता है इनके वेबसाइट पे। सो इसी तरीके से सिंहगढ़ ने भी किया हुआ है और यहाँ पे आपको सारे ही जो रियल फैक्ट्स और फिगर्स रहेंगे वही आपको यहाँ पे डिस्क्लोज होंगे। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मीडियन पैकेज जो है वो 4 lakh के अराउंड जाता है और यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स भी दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ 900 मीन्स आउट ऑफ 900 कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हुए थे इस साल पर्टिकुलरली, सारा ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे दे रखा है। सो आप ये सारा ज़रूर चेक कीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारा डिटेल्स दिया होता है, सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको किसी भी कॉलेज का रिव्यू करने के लिए। ये था आपका ओवरऑल रिव्यू फॉर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए। ये कॉलेज में आपको आसानी से ये एडमिशन मिल सकता है। सो अब आपके ऊपर में है कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या करियर पर्सपेक्टिव है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।